नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाइंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। ये सुविधा पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केंद्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आगामी शनिवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो एक हमारा जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल को किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा आज की गई है। और केंद्र सरकार ने तीन स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि ये लाइट हाउस की तरह काम करेंगे। ये दूसरे प्रदेशों को ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल है उसका उसके बारे में बाकी स्टेट्स के लिए ये भी प्रकाश डालेंगे। उसके साथ साथ आज नदौन के अंदर जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बद्दी के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नदौन में ट्रांसपोर्ट नगर है और बद्दी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी उनका मूल्यांकन किया गया है। उसके साथ साथ आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, बेरोजगारों को जो रोजगार देने के लिए रूट्स की बात की गई है कि गांव के अंदर छोटी गाड़ियां जाए, गांव के अंदर जीप जाए, गांव के अंदर बस जाए, उसके बारे में भी चर्चा हुई है और उसका भी मुझे लगता है कि विद इन वन वीक उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी और बेरोजगारों को रोजगार। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।